नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ट्रेड बुल ऑफिशियल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी 50 कल 9 मई के दिन कहां पे कामकाज कर सकता है, आपके कॉल पुट के क्या टारगेट रहेंगे। बट उससे पहले देखते हैं मार्केट ने आज कहां पे कामकाज किया, आज कैसा दिन रहा। दोस्तों, पहले तो मार्केट ने हमें गैप अप ओपनिंग दी, जैसे कल हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली मार्केट ने उसी लेवल्स के आसपास एक हमें गैप अप दिया। ये ही हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट में गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट कर सकती है और उसके बाद हम कॉल की पोजीशन लेना पसंद करेंगे। टारगेट हमारे ऊपर 18200 और 18220 तक के भी रह सकते हैं। मार्केट ने आज अपने दिन का लो 18100 लेवल्स पर लगाया। दोस्तों, इसी के बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ हमें एक मूवमेंट दिखाई और उसके बाद तकरीबन 11 बजे तक हम दिन का यहां पर 18,240 का लेवल्स यहां पर छू चुके थे। फिर से दोस्तों मार्केट एक पुलबैक लेती है और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ यहां पर 18,280 लेवल्स के आसपास जाकर टच करती है। दोस्तों, बस इस मूवमेंट के बाद तकरीबन जो निफ्टी 50 है उसने पूरा अपना मूवमेंट एक रेंज बाउंड में रख लिया और 40 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट अगले 3.5 घंटे तक इसी रेंज में ट्रेड करती रही। ये मार्केट ने पूरी एक अपने लिए एक रेंज बना ली तकरीबन 40 पॉइंट्स की। अब बात करते हैं कि मार्केट कल कहां पर कामकाज कर सकती है। क्लोजिंग 18269 के आसपास में मिली है। अब बात करते हैं कि मार्केट में ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है। पहले तो ग्लोबली अगर हम देखें तो सबसे पहले बात करेंगे हम डाउ जोन्स की, और डीजे जो है वो तकरीबन वीडियो बनाते समय तकरीबन बिल्कुल फ्लैट है प्लस 7 पॉइंट्स के साथ। नैस्टैक की अगर बात करें तो नैस्टैक भी यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट है, तकरीबन 12 पॉइंट के साथ माइनस में है। S&P इंडेक्स की बात करें तो -2 पॉइंट के साथ, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एसजीएक्स निफ्टी की तो वो भी यहाँ पर तकरीबन -36 पॉइंट के साथ यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों, सभी चीजें मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग इंडिकेट कर रही हैं। मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर इसी 40 पॉइंट की जो रेंज मार्केट ने बनाई है इसी में ही आपको ओपनिंग दे सकता है। सिंपल सा सिस्टम है, अगर मार्केट ने 18,300 का लेवल ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ कॉल की पोजीशन में हम लेना पसंद करेंगे और टारगेट्स आपके ऊपर की तरफ 18,350 और 18,400 तक के भी रह सकते हैं। पुट की पोजीशन इस नीचे की ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करती है, इस रेंज से बाहर निकलती है, 18,240 लेवल्स के नीचे पुट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट्स आपके मार्केट पे नीचे की तरफ 18,175 और 18,100 तक के भी इंट्राडे में देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। लाइव स्ट्रीम को देखते रहे बिकॉज उसके अंदर जो मैं लेवल मार्क करता हूँ आप उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड बाय।